वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर, दिस इज मरिचा, योर लीगल मेंटोर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले आर्बिट्रेशन के इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझेंगे विथ केसेस, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें कई सारे केसेस से डील करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद इसमें आएंगे केसेस पे केसेस, जो कि आप सब के लिए बहुत ही जरूरी है एग्जाम्स में। अगर आप उन केसेस को इंक्लूड करके अगर ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन समझाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सो इसीलिए इसमें केसेस हैं, केसेस हैं, केसेस हैं, लेकिन वो जो केसेस हैं आपके आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर करते हैं स्टार्ट, और हम जानते हैं कि आखिरकार इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता क्या है। सो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इज अ मींस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट अराइजिंग अंडर इंटरनेशनल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जो इंटरनेशनल बेसिस पे, ठीक है, या इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हुए रहते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने रहते हैं, जब उसमें कोई भी डिस्प्यूट अरोज होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो है इसी के थ्रू क्या हो सकता है, रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। इट इज यूज एज एन ऑल्टरनेटिव टू लिटिगेशन, क्योंकि हमें पता है कि जो आर्बिट्रेशन है, ठीक है, वो क्या है, लिटिगेशन के ऑल्टरनेटिव है ना। इज कंट्रोल्ड प्राइमरली बाय द टर्म्स प्रीवियसली अग्रीड अपॉन बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। जब जो पार्टीज ये होती हैं, ठीक है, जब उस ये एक तरीके से हमें पता है कि ये क्या करती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करती हैं, है ना, दोनों क्या करते हैं, मतलब दोनों का कंसेंट रहता है उसमें, और कंसेंट के बाद ये क्या बनाती है, एक क्या पूरा एग्रीमेंट बनाती है ना, आर्बिट्रल एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसको बनाने के बाद उसमें कई सारे क्लॉजेस ये मेंशन करती हैं, उसमें एक और क्लॉज मेंशन करती है कि इन केस अगर इन फ्यूचर या फिर कभी भी इनका डिस्प्यूट अराइज होता है तो ये यहाँ पे जाके इस आर्बिट्रेशन में जाके क्या करेंगे, इस आर्बिट्रेटर से रिजॉल्व करवाएंगे, करेक्ट। तो वही बोल रहा है कि प्राइमरली ये कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं, कि ये जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो होता है, बेसिकली अगर हम देखें तो ये पार्टीज के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, ये किसी और के द्वारा नहीं, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट किए रहते हैं उसमें जो जो मेंशन रहता है, पार्टीज जो कंसेंट करके उसमें मेंशन करी रहती है, उसी के बेसिस पे इनका जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, रादर देन बाय नेशनल लेजिस्लेशन और प्रोसीजरल लॉज, ठीक है, नेशनल लेजिस्लेशन प्रोसीजरल लॉज के रादर उसके अलावा क्या किया जाता है, ये जो पार्टीज होती हैं जो जब कॉन्ट्रैक्ट करी रहती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो मेंशन किया रहता है उन्होंने कंसेंट देके, उसी के बेसिस पे ये जो उनके डिस्प्यूट्स होते हैं वो रिजॉल्व किए जाते हैं, ना कि किसी नेशनल लेजिस्लेशन के द्वारा या फिर प्रोसीजरल जो लॉज होंगे उनके द्वारा, ओके। Most contracts contain a dispute resolution clause specifying that any dispute arising under the contract will be handled through the arbitration rather than litigation. जैसे कि मैंने आपको बताया उनके जो arbitration agreement जो होते हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने कई सारे clause mention करे रहते हैं, जिसमें से एक क्लॉज रहता है जो कि बताते हैं ऑलरेडी कि अगर डिस्प्यूट होता है तो वो हम क्या करेंगे फ्यूचर में यहाँ पे जाके रिजॉल्व करा लेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आर्बिट्रेशन के द्वारा रिजॉल्व कराएंगे ना कि लिटिगेशन के द्वारा, ठीक है, उसमें वो मेंशन किए रहते हैं। पार्टीज कैन स्पेसिफाई द फोरम प्रोसीजरल लॉज रूल्स एंड गवर्निंग लॉ एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज डिसाइड करती हैं उस समय जो प्रोसीजरल रूल्स होते हैं कि किन प्रोसीजर्स के रूल्स के द्वारा हमारा जो डिस्प्यूट होगा रिजॉल्व होगा, गवर्निंग लॉज क्या क्या होंगे उसी टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं तो उसमें ये जो पार्टीज होती है सारी चीजें मेंशन कर देते हैं, ठीक है। द टाइप्स ऑफ लॉ दैट आर अप्लाइड इन आर्बिट्रेशन इंक्लूड इंटरनेशनल ट्रीटीज, नेशनल लॉज, बोथ प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव जो उनके लॉज होते हैं वो, जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं तो उसमें जब गवर्निंग लॉ के बारे में हम जब बात करते हैं तो उसमें वो क्या करती हैं, नेशनल ट्रीटीज वो भी इंक्लूड करती है, ठीक है, उसके बाद उनके जो नेशनल इंटरनेशनल ट्रीटी सॉरी और जो उनके नेशनल लॉज होते हैं, ठीक है,
इंटरनेशनल ट्रीटी मतलब मान लीजिए कोई ऐसी ट्रीटी है जो कि इंडिया और मान लीजिए कनाडा के बीच में हुई है, ठीक है, साइन हुई है, अगर वो साइन हुई है उसी के बेसिस पे वो क्या करेंगे उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने में उनको हेल्प मिलेगी। अगर ट्रीटी नहीं साइन हुई है तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है उसमें मैटर उलझ जाता है। तो अगर ट्रीटी जो साइन हुई रहती है तो अगर ऐसा कोई ट्रीटी है जो कि उस कंट्री के बीच में साइन हुआ है तो वो भी अपने क्या करते हैं जो उनका जो गवर्निंग लॉ जो कि उन्होंने मेंशन किया है कॉन्ट्रैक्ट में वो वहां पे बताते हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि हमने साइन किया है दूसरे कंट्री से, ठीक है। एंड नेशनल लॉज, और जो वहां के उनके नेशनल लॉज होते हैं जो हमारे इंडिया के नेशनल लॉज है, ठीक है, वो सारे भी मेंशन करते हैं। जैसे कि आर्बिट्रेशन में बेसिकली देखते हैं हम तो सीपीसी जो है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, हमारे नेशनल जो लॉज हो गए है ना, या फिर मान लीजिए कि कोई और भी जितने भी लॉज होते हैं सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, ठीक है, तो जो जो उनके नेशनल लॉज है जो कि उनको उनको रिक्वायरमेंट उसकी होती है वो सारी चीजें भी वो अपने उसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो उनका आर्बिट्रल एग्रीमेंट होता है उसमें लिखा रहता है, ठीक है। बोथ प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव, जो प्रोसीजरल प्रोसीजर के द्वारा मतलब चीजें सुलझा सकती हैं वो सारे लॉज भी, और जो सब्सटैंटिव लॉज है उन लॉज को भी क्या करती हैं वो मेंशन करती हैं, एज वेल एज द प्रोसीजरल रूल्स ऑफ द रिलेवेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। वो जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसकी जो प्रोसीजरल रूल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन है जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे उनको अपना डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व करवाना है उसके भी रूल्स जो होते हैं कुछ प्रोसीजरल रूल्स वो भी मेंशन किया गया रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें वो प्रायर करते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट वो बनाते हैं तब। प्रीवियस आर्बिट्रल अवार्ड्स कैरी परसुएसिव अथॉरिटी बट आर नॉट बाइंडिंग। प्रीवियस जो आर्बिट्रल अवार्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि एज ए एग्जाम्पल के तौर पे होते हैं, ठीक है, एक अथॉरिटी के टाइप पे होती है बट वो उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, मतलब पार्टीज के ऊपर, ठीक है। समझ में आया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता है जो कि इंटरनेशनल बेसिस पे क्या करती है पार्टीज क्या करती हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि हम दूसरे मान लीजिए कि ए जो है, ठीक है, वो क्या है कनाडा में है, ठीक है, बी जो है वो इंडिया का है, ठीक है, तो इनके बीच में जब अगर वो ट्रेड करना चाहे एक दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री में, लेकिन मान लीजिए कि ए कनाडा में है बी इंडिया में है, लेकिन इन फ्यूचर डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो कहाँ जाएंगे कैसे करेंगे, तो वो सारी चीजें वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के थ्रू डील करते हैं और वहां पे अपना डिस्प्यूट जो है रिजोल्व करवाते हैं, ठीक है। अब हमने समझ लिया इसके बारे में, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन आया कैसे। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ foundations of global arbitration system is the convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards, ठीक है, बहुत significant, बहुत important united nation का convention है जो कि international trade से trade जो law है उससे govern किया जाता है और एक foundation है global arbitration system का in the convention of क्या recognition and क्या enforcement of फॉरेन आर्बिट्रल जो अवार्ड है जिसे कि हम कहते हैं बेटर अगर उसको हम समझे तो हम समझते हैं नाम से न्यूयॉर्क कन्वेंशन के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। अब ये जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है वो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल कमर्शियल जो आर्बिट्रेशन है उसी के द्वारा ही बना गया, उसके द्वारा ही बनाया गया है ये जो कन्वेंशन है उन सारी चीजों से ही डील करता है, ठीक है। आर्बिट्रल जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है उसी से ये सारी चीजें जो है ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो है इन सारी चीजों से ही डील करता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क कन्वेंशन स्टेट्स कमिट टू इंप्लीमेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स एंड टू रिकॉग्नाइज एंड अपहोल्डिंग फॉरेन डिसीजन, ठीक है। द आर्बिट्रल सेक्रेटेरिएट गाइड ऑन द न्यूयॉर्क कन्वेंशन वॉज रिलीज इन 2016। ये जो गाइड है अनसर्ट्रल सेक्रेटेरिएट जो उनका गाइड एक तरीके से है न्यूयॉर्क कन्वेंशन का वो रिलीज हुआ था 2016 में आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 2, ठीक है, सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 7 सब क्लॉज 1 वॉज एक्सेप्टेड इन 2006। जब इसको एक्सेप्ट कर लिया था तब जाके 2016 में ये जो सेक्रेटेरिएट गाइड एंसेट्रल मॉडल लॉ का वो रिलीज किया गया 2016 में, ठीक है। जब वो रिकमेंडेशन ले लिया गया
आर्टिकल जो 2 है सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 7 सब क्लॉज 1 जो है उसके द्वारा अनसिट्रल जो मॉडल लॉ है इसका आर्टिकल है, जब उसको क्या किया गया, रिकमेंड करवा दिया गया, उसके बाद ही ये क्या 2006 में रिकमेंडेशन मिली थी, फिर 2016 में क्या हुआ वो रिलीज हो गया, ठीक है। द अनसिट्रल मॉडल लॉ और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वॉज अडॉप्टेड इन 1985, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 1985 में अनसिट्रल मॉडल लॉ और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो है उसके ऊपर ये आया था, ठीक है, अनसिट्रल मॉडल लॉ अमेंड किया गया 2006 में, ठीक है, 2006 जिसे हम कहते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट अ साउंड बेसिस फॉर द डिजायर्ड हार्मोनाइजेशन इंप्रूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड कवरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो बेसिकली ये अनसिट्रल मॉडल लॉ क्यों लेके आया इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में, क्योंकि इन्हें जो ट्रेड लॉज थे, इंटरनेशनल जो ट्रेड लॉज थे उनको स्मूथ करना था, ठीक है, कि दूसरी कंट्रीज से जो हमारा ट्रेड है, जो उनके साथ हम ट्रेड रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो स्मूथ फंक्शन कर सके, इस वजह से अनसिट्रल मॉडल लॉ जो है वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो है उसे अडॉप्ट किया 1985 में और उसके बाद उसको क्या किया अमेंड किया 2006 में, ठीक है, जो कि बेसिकली जब हम देखें तो ये डिजायर्ड हार्मोनाइजेशन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में बनाना चाहता है, इंप्रूवमेंट ऑफ नेशनल लॉज जो उनके नेशनल लॉज है उसमें इंप्रूवमेंट करवाना चाहता है एंड कवरिंग ऑल द स्टेजेस ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसेस, जो भी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड प्रोसेस है उनमें भी वो क्या करना चाहता है, डेवलपमेंट कराना चाहता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली जब हम देखेंगे कि जो अनसिट्रल मॉडल लॉ है हमारा उसी के द्वारा जिसमें कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉज है, ठीक है, उसमें ये जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है इसमें हम देखेंगे कि जो जितने भी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं ये जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है वही हमें बताता है कि हमने क्या किया है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो है उसके तहत जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हमारे पास है हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल बेसिस पे हम अपने क्या कर सकते हैं, डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करवा सकते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं, समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट केस है और उसी केस से हम डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स है, ठीक है, उसको फॉर्म करेंगे और जानेंगे, रिलेट करेंगे कि किस तरीके से जो कि लॉज बने हुए हैं किस तरीके से उसमें अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट के बाद चीजें कैसे बदली, क्योंकि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में केसेस ही सब कुछ है और अगर आप केसेस के द्वारा अगर ये समझ जाते हैं तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। A nation that has rectified either the New York Convention or the Geneva Convention is eligible to host commercial arbitration. तो दो conventions है जो कि basically international commercial arbitration से deal करते हैं, वो है New York Convention सबसे पहला, ये बहुत important convention है, ठीक है, और दूसरा है हमारे Geneva Convention, ठीक है, जो कि अगर कोई भी कंट्री अगर उन्होंने इस कन्वेंशन में क्या किया है, इस कन्वेंशन में उनका नाम है, इन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया है दूसरे कंट्री से, तो क्या होगा वो एलिजिबल हो जाएंगे कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो प्रोसीडिंग्स होती है या कमर्शियल आर्बिट्रेशन करने के लिए, दैट इज द कन्वेंशन कंट्रीज ओनली, ठीक है, कन्वेंशन जो कंट्रीज होती है वो, ठीक। लेकिन जो नॉन कन्वेंशन कंट्रीज नेशंस हो गए मे होस्ट एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, वो भी होस्ट कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं पे भी इस एक्ट में जो हमारा इन्फोर्समेंट वो जो एक्ट था यहाँ पे हमने देखा ना, ये रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द फॉरेन आर्बिट्रल जो अवार्ड है 1958 का, इसमें कहीं पे भी ऐसे नहीं बोला गया है कि भाई आपको क्या करना है, ये जो कन्वेंशंस है आपके साथ साइन आपके कंट्री के होने ही चाहिए। तो अगर ये कन्वेंशन किसी कंट्री के पास नहीं है तो भी वो होस्ट कर सकती है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है। नाउ इन द फोरमेंशन एक्ट डज नॉट स्टेट दैट इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हेल्ड इन नॉन कन्वेंशनल कंट्रीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इट्स रूल्स। Part 2, it will be said only applies to arbitration held in the convention countries. Part 2 जो है वो बताता है हमें कि जो arbitration जो है basically वो
जो कन्वेंशन कंट्रीज है, मतलब जो जनेवा कन्वेंशन है और जो आपका न्यूयॉर्क कन्वेंशन है, वो कंट्रीज जिन कंट्रीज के पास वो कन्वेंशन होगी, उन्होंने साइन किया होगा, वो ही क्या कर सकती हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में जा सकती हैं। ये पार्ट टू बताता है। लेकिन ऐसा कुछ इस एक्ट में मेंशन ही नहीं किया गया है कि जो नॉन कन्वेंशनल कंट्रीज है वो उसको मतलब होस्ट ही नहीं कर सकती, या फिर ऐसे जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को फॉर्म ही नहीं कर सकती, उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ है। गेट इट? ओके। सो आते हैं अपने केस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का। ये हमारा पहला केस होगा। इसको अगर हम समझेंगे तो धीरे 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 हम और भी केसेस डील करेंगे जो कि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। TDM केस हो गया, वोडाफोन केस हो गया, ठीक है। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो हमारा लेजिस्लेचर है या फिर जो हमारे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड पास हो रहे हैं, किस तरीके से मोल्ड करके और डिसीजंस जो इनके आ रहे हैं वो किस तरीके से हमें बता रहे हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, और उस अमेंडमेंट के बाद जो डिसीजंस आए हैं, ठीक है, वो जो वहाँ के जो आर्बिट्रेशन के जो आर्बिट्रेटर होते हैं या फिर जो उनको अवार्ड मिलता है, वो किस तरीके से उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बताता है, और जो कि वो डील करते हैं उस मैटर से, किस तरीके से उन्हें रिजल्ट मिलता है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे एक एक केस के साथ, ठीक है। क्योंकि एक केस को क्या किया जाता है, ओवर रूल करके फिर दूसरे में उसको नया कुछ एड ऑन कर दिया जाता है, तो इन सारी चीजों को समझना इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में बहुत जरूरी है। अभी तक हमने ADR में केसेस नहीं पढ़े, है ना, बहुत ही एक मैंने केस बताया होगा, बट इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में केस को समझना और केस को याद रखना और उसको समझ के अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना आप सबके लिए बहुत ही जरूरी है। सो यू हैव टू डू इट, करेक्ट? ओके। सो फर्स्ट केस इज RM इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज बोइंग कंपनी, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया दैट द टर्म कमर्शियल, जो कि सेक्शन 2 ऑफ द फॉरेन अवार्ड्स में, दैट इज जो अपना रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट अवार्ड 1961 का है, उसमें ये बताता है इट शुड बी इंटरप्रेटेड ब्रॉडली इन द लाइट ऑफ न्यूमरस एक्टिविटीज। एक एक्टिविटी के ऊपर नहीं या एक जोन में नहीं, बहुत सारे एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखते हुए कमर्शियल ये जो टर्म है उसको हमें देखना चाहिए, मतलब ब्रॉडर सेंस में देखना चाहिए, ठीक है। जो कि जो सेक्शन 2 है जो हमारे रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 1961 का, उसमें कमर्शियल के बारे में बात करी गई है, ठीक है। दैट मेक्स अप टुडेज इंटरनेशनल ट्रेड। फॉर दिस पर्पस असिस्टेंस कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द फुट नोट अटैच्ड टू आर्टिकल 1 ऑफ द मॉडल लॉ। जो आर्टिकल 1 है मॉडल लॉ का, मतलब अनसेटल मॉडल लॉ का, अगर आपको देखना है तो आप उससे असिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके उससे अगर आप असिस्ट होंगे तो आपको क्लेरिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा, आप क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है इस केस में कहते हैं कि कमर्शियल जो है उसको हमें ब्रॉडर सेंस में देखना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी जो एक्टिविटीज जो कि हम एक तरीके से जब भी ट्रेड करते हैं तो उसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, उससे देखना चाहिए हमें कि जो कि आज के हमारे इंटरनेशनल ट्रेड पे जो कि इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कमर्शियल मतलब कॉमर्स से ही रिलेटेड नहीं, और भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू यूज इंटरनेशनल बिजनेस आर्बिट्रेशन एटलीस्ट वन पार्टी मस्ट बी ईदर, एक पार्टी तो होना ही चाहिए टू इन्वोक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज इज क्या, एन इंडिविजुअल हु इज अ नेशनल ऑफ और हैबिचुअली रेसिडेंट इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया। एक पर्सन तो ऐसा होना ही चाहिए जो कि क्या वो कहाँ रिसाइड कर रहा हो, फॉरेन में, किसी अदर कंट्री में अदर देन इंडिया, ठीक है, या फिर वो वहां का नेशनल हो, वहां रहता हो, ठीक है, मतलब वो वहां के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसके थ्रू गवर्न किया जाता हो, ठीक है। ये पहला हो गया पॉइंट, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा हो गया क्या, अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया। एक कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जो कोई भी जो कंपनी हो गई, ठीक है, यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब वही होता है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हो इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, इनकॉर्पोरेट हुई हो, ठीक है, मतलब
एस्टैब्लिश हुई हो अदर देन इंडिया, इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर, ठीक है. ए कंपनी और एन एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हुज सेंट्रल मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल इज एक्सरसाइज इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया. अब जो कंपनी है या फिर जो एसोसिएशन है, ठीक है, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो है हुज कंट्रोल एंड कंट्रोल इज एक्सरसाइज इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, जिनका जिनका की कंट्रोल जो होगा वो एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं इंडिया में नहीं बाहर में. और वो पर्सन क्या होना चाहिए, वो जो जो इंडिविजुअल है वो बाहर का ही होना चाहिए. आगे बात समझ में. चौथा क्या बोलता है, द गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, और जो ये गवर्नमेंट होगी वो इंडिया की नहीं फॉरेन कंट्री की होनी चाहिए. तो किसी भी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में जो कोई भी जो हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, ठीक है, अगर उसमें हम देखेंगे तो दोनों पर्सन जो है एक ही कंट्री के नहीं होने चाहिए. अगर एक कंट्री के हो गए तो वहां पे डोमेस्टिक लॉज लगेंगे, ना कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. वहां पे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के द्वारा आपका केस जो है, डिस्प्यूट जो है, रिजोल्व किया जाएगा, ना कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. तो इस केस में ये बताया गया कि कोई भी इधर ऑफ द पार्टी क्या होनी चाहिए, वो बाहर में रहती हो, ठीक है, उनका जो नेशनल है, ठीक है, वहां के वो वासी हो, उस कंट्री के वासी हो, ठीक है, वहां पे वो रहते हैं, वहां का वो लॉस फॉलो करते हो. जो बॉडी कॉर्पोरेट है, जो कंपनी है, वो कहाँ एस्टैब्लिश होनी चाहिए, वो अदर देन इंडिया में होनी चाहिए. अदर देन क्या, इंडिया, इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर. और जो कंपनी है, एसोसिएशन है, उसके जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो कि मैनेज करते हैं, सेंट्रल मैनेजमेंट वो इंसान कर रहा है, वो तो वो भी क्या होना चाहिए, वो जो अपना पावर एक्सरसाइज करना चाहिए किस कंट्री में, एनी मतलब दूसरे कंट्री में, वो अदर देन इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर होना चाहिए. और जो गवर्नमेंट है फॉरेन कंट्री की होनी चाहिए, ठीक है, एक जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन कंट्री की होनी चाहिए, ठीक है, एक जो इंडिविजुअल है वो फॉरेन का होना चाहिए. तो ये इस केस में आरएम इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बोइंग कंपनी में ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर आप इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो है वो फॉर्म करना चाहते हैं तो आप एक एक पार्टी जो है इन सारे क्राइटेरिया को मैच करनी चाहिए, ठीक. आर्टिकल वन ऑफ द मॉडल लॉ सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. तो वो जो आरएम जो इन्वेस्टमेंट केस हो गया वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था. तो अगर आपको फैक्ट्स के बारे में जानना है और डिटेल के बारे में जानना है तो आपका होमवर्क है कि आप क्या करेंगे, एक बार घर जाएंगे, अपने बुक को खोलेंगे या फिर गूगल पे ही सर्च करिए फैक्ट्स के बारे में जा रही है, उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है वो यहाँ पे आप समझ लीजिए अच्छे से, ओके. आगे बढ़ते हैं. आर्टिकल वन ऑफ द मॉडल लॉ सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. अब ये जो अपना मॉडल लॉ है वो क्या है, इन जो अनसेटल मॉडल लॉ है वो क्या सर्व करता है, एज अ फाउंडेशन, मतलब बेसिक ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन प्रोवाइडेड अबव. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन अबव, एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इज डिटरमाइंड सोली बाय द नेशनैलिटीज ऑफ द पार्टीज. ये सोली नेशनैलिटीज ऑफ द पार्टीज के ऊपर डिपेंड करती है, नॉट बाय द डिस्प्यूट इटसेल्फ, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया. देयरफॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 will not be initiated if the parties to a particular international commercial transaction are Indian nationals. अगर वो जो transaction उनके बीच में हो रहा है, वो जो ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो इंडिया के हैं तो ये जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो है, ठीक है, या फिर अंडर आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 है हमारा कहता है, उसमें जो अगर ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो कि इंडिया के ही होंगे तो उसमें इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो है वो अप्लाई उन पे नहीं होगा, ठीक है. इसीलिए ये उनकी नेशनैलिटी पे ज्यादा फोकस करती है, ना कि नॉट द डिस्प्यूट इटसेल्फ, ठीक है, ये डिस्प्यूट कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, ये वो फलाना फलाना नहीं. वो नेशनल जो है वो उन क्राइटेरिया को मैच करना चाहिए कि एक पार्टी वो फॉरेन का होना ही होना चाहिए अगर वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के द्वारा अगर डिस्प्यूट जो है रिजोल्व करवाना चाहते हैं तो. क्लियर, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ठीक. आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो केस है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाटिया इंटरनेशनल वर्सेज वर्ल्ड ट्रेडिंग, ठीक है.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसका और भी एक आता है भाटिया एल्यूमिनियम करके आया था, उसको हम अपने अगले वीडियो में डील करेंगे क्योंकि ये लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज हम सिर्फ भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बॉल ट्रेडिंग जो है उस पर हम क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, ठीक है, इसके बारे में हम इस केस में डिस्कस करेंगे। ठीक, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट 1996 टू इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ओके, सुप्रीम कोर्ट इन भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस वर्ल्ड ट्रेडिंग में क्या हेल्ड करते हैं, दैट ऑल द आर्बिट्रेशंस एंड अदर रिलेटेड एक्शंस वुड बी गवर्न बाय द टर्म्स ऑफ पार्ट वन। जब उनका डिस्प्यूट आया, ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो जो आर्बिट्रेशन है या फिर अदर रिलेटेड जो भी एक्शंस है वो किससे गवर्न किए जाएंगे, टर्म्स ऑफ द पार्ट वन। पार्ट वन में क्या है, आर्बिट्रेशन के बारे में बात की गई है, उसके एनफोर्समेंट के बारे में बात की गई है, आर्बिट्रल अवार्ड जो होते हैं उन सारी चीजों के बारे में बात कही है। तो ये जो सारे रिलेटेड एक्शंस है टर्म मतलब पार्ट वन के, वो जो किससे गवर्न किए जाएंगे, वो ये जो अपना आर्बिट्रेशन एंड अदर रिलेटेड एक्शन है वो पार्ट वन के द्वारा गवर्न किए जाएंगे। ठीक है, अनलेस द पार्टीज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइसिटली एग्री टू एक्सक्लूड ऑल और एनी प्रोविजन ऑफ पार्ट वन। अगर पार्टीज जो है एक्सप्लिसिटली और क्या वो इम्प्लिसिटली क्या करेगी, एक्सक्लूड करवाना चाहती है कोई भी प्रोविजन या फिर किसी भी ऑल प्रोविजन या कोई भी प्रोविजन पार्ट वन के। ठीक है, पार्ट वन प्रोविजन विल अप्लाई इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हेल्ड आउटसाइड ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो जो कि पार्ट वन जो है वो अप्लाई किस पे होगा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन पे होगा जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया डिस्प्यूट अराइज हुए हैं। ठीक है, और अगर पार्टीज जो हैं एक्सक्लूड करना चाहती हैं, इम्प्लिसिटली अगर अपना कंसेंट दे रही हैं हमको ये प्रोविजन नहीं रखना है इस पार्ट का, तो वो उस चीज को हटा सकती हैं, उनके पास इतना है पावर। ठीक है, फिर इन दैट सिचुएशन द पार्टीज रिस्पेक्टिव लॉज और रूल्स वुड प्रिवेल। उसको हटा के उनके जो रिस्पेक्टिव लॉज है उनके कंट्रीज के लॉज या रूल्स जो है वो प्रिवेल करेगा। ठीक, एनी प्रोविजन इन पार्ट वन विच इज अपोज टू और एक्सक्लूडेड बाय लॉज एंड रूल्स डिसाइडेड बाय द पार्टीज विल नॉट अप्लाई। अगर वो किसी चीज को अपोज कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, कि हमको ये लॉ नहीं इसमें यूज करना है, ये रूल के द्वारा हम नहीं गवर्न करे जाने चाहिए, ठीक है, तो अगर वो ऐसा डिसाइड कर लेते हैं तो उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पार्टीज ऑटोनॉमी मतलब पार्टीज की इंडिपेंडेंसी जो है वो एक मेजर फैक्टर है। अगर हम आर्बिट्रेशन में देखते हैं तो पूरे आर्बिट्रेशन में दो प्रिंसिपल है, ठीक है, एक क्या है, पहला है पार्टीज ऑटोनॉमी, मतलब वो इंडिपेंडेंट है कि वो डिसाइड अपना जो उनका मैटर है किससे रूल होगा, किससे गवर्न किया जाएगा, क्या क्या होगा, वो उनके पास इंडिपेंडेंसी है, ऑटोनॉमी है कि वो डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटेंसी, ये सी से नहीं स्टार्ट होता है, ये होता है कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटेंसी, जो इसको हम कॉम्पिटेंसी भी बोलते हैं, कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस जो बोलते हैं इसको प्रिंसिपल। ये जो दो प्रिंसिपल है ये एसेंशियल एलिमेंट्स है आर्बिट्रेशन के। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है पार्टीज की क्या ऑटोनॉमी, कि पार्टीज के पास ये उनके डिसीजन लेने का राइट होता है कि वो जो डिसाइड करेंगे वही उनके डिस्प्यूट पे, वही उनके मैटर पे लागू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो कोर्ट ने इसमें क्या हेल्प किया इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कोर्ट बिलीव दैट इफ द एपिलेंट्स आर्ग्यूमेंट that part 1 of the arbitration and conciliation act 1996 does not apply if the arbitration occurs outside of the india where to be adopted it would have a serious implication for the case। agar aisa hum karte hain ki jo aapka jo arbitration and conciliation act 1996 hai, theek hai, iske part 1 ko agar hum apply nahi karte hain जो कि आउटसाइड ऑफ द इंडिया अगर डिस्प्यूट जो है अराइज होते हैं तो इससे क्या होगा, सीरियस इंप्लिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे। इफ पार्ट वन अप्लाइड ओनली टू आर्बिट्रेशंस सीटेड इनसाइड इंडिया, अगर पार्ट वन जो है वो जब सीटेड इनसाइड, अब हम सीट और वेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, अब इसको बस समझ लीजिए कि अगर पार्ट वन अप्लाई करता है ऐसे आर्बिट्रेशंस में जिनकी सीट जो है वो इंडिया के अंदर है, मतलब इंडिया में है, वन कॉन्सिक्वेंस वुड बी दैट देयर
was no power for the Indian courts to grant interim relief in aid of a foreign seated arbitration. तो जो foreign seated arbitration है उसको कोई भी interim relief जो है Indian court नहीं देने की position में होगी. अगर हम part वन apply करते हैं उन्हीं matters पे जो कि occur करते हैं क्या इनसाइड इंडिया, ठीक है, अगर आउटसाइड इंडिया नहीं ओकर करते हैं, क्या बोल रहे हैं, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट डज नॉट अप्लाई इफ द आर्बिट्रेशन अकर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया. ये जो एक्ट है उसका पार्ट वन तब नहीं अप्लाई किया जाएगा जबकि उनकी जो डिस्प्यूट है वो अराइज होंगी आउटसाइड ऑफ द इंडिया, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. अगर ऐसा होगा तो जो कोर्ट्स होंगी इंडियन कोर्ट्स होंगी जो बाहर की जो पार्टी है उसको एक इंटरिम रिलीफ जो मिलनी चाहिए उसका जो हक है उसको वो नहीं मिल पाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, इंजंक्शन मतलब ऑर्डर होता है, ठीक है, प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी इन इंडिया, उसके प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना है जो कि इंडिया में है. हाउ वे डिफिकल्टीज अरोज एज द पार्टीज रिलाइड ऑन भाटिया इंटरनेशनल. अब जो भाटिया इंटरनेशनल केस में हुआ था कि जो पार्ट वन है वो किस पे अप्लाई किया जाएगा, वो जो पार्ट वन है वो अप्लाई किया जाएगा जो भी इनसाइड इंडिया के जो भी आर्बिट्रेशन मतलब की चीजें होंगी उसी पे वो अप्लाई किया जाएगा. भाटिया इंटरनेशनल में यही हुआ था, है ना, अभी जो हमने देखा, टू इनवाइट द इंडियन कोर्ट्स टू अप्लाई अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट वन, ठीक है, टू आर्बिट्रेशन कमेंस्ड एंड अवार्ड्स रेंडर्ड इन सीट्स आउटसाइड इंडिया, द पार्टी वुड नॉट बी एबल टू पिटिशन फॉर इंटरिम रिलीफ. क्योंकि यहाँ इंडिया के रूल्स और लॉस के द्वारा जब गवर्न किया जाएगा तो बाहर का रूल्स और लॉस तो नहीं मैटर करेगा क्योंकि इंडिया में ये चीजें हुई है, प्रॉपर्टी इंडिया में है, इंडिया के लॉ लग रहे हैं, तो बाहर के लॉ कैसे लगेंगे, है ना, एक अगर लेमैन में ही समझे तो बाहर के लॉस किस तरीके से लगेंगे. तो उस वजह से कोर्ट कहती है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि ये जो पार्ट वन है हम अप्लाई नहीं करते हैं आउटसाइड जो कि सीटेड आर्बिट्रेशन होगा तो बहुत ही ज्यादा ब्लंडर क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, और जो सीटेड आर्बिट्रेशन जो आउटसाइड ऑफ द इंडिया होगी उसको एक इंटरिम रिलीफ जो कि उसका राइट होता है वो नहीं मिल पाएगा. ठीक है, इंटरिम रिलीफ इन इंडिया इन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द इंडिया, अ पार्टी माइट नॉट बी एबल टू ऑब्टेन एनी सॉर्ट ऑफ टेम्पररी रिलीफ जो कि उसको मिलनी चाहिए एज अ रिजल्ट. This produces the significant consequences that even in the context of foreign seated arbitrations, जो foreign seat मतलब outside of the India है, दूसरे country में, where part one of the act was not excluded, अगर part one of the act जो है हम exclude नहीं करते हैं तो Indian courts could amongst other things क्या कर सकती है वो award interim relief in support of the arbitration. Interim relief at least वो उस पार्टी को दे सकती है जो कि seated outside India है. Appoint arbitrators in appropriate circumstances. Appropriate circumstances में वो क्या करेंगे, arbitrators जो है appoint करके उसको दे सकते हैं. ठीक है, फिर set aside arbitral awards जिसके लिए वो dispute अपना लेके आए हैं, उस डिस्प्यूट को, उस आर्बिट्रल अवार्ड को जो कि अवार्ड उनको मिला है, ठीक है, डिसीजन मिली है, उसको सेट असाइड भी कर सकते हैं इन केस अगर जो कोर्ट है उसको ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पे इसके साथ ऐसा इनजस्टिस हुआ है. ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया. ठीक है, भाटिया जो हमारे जो इंटरनेशनल केस है उस केस में, आगे बात समझ में, लेकिन इसको ओवररूल करा गया है अपने आगे आने वाले केस में, भाटिया एल्यूमिनियम केस एक करके है, उसमें इस चीज को जो सुप्रीम कोर्ट है खुद ही के जजमेंट को ओवररूल करती है. उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आज लंबी बहुत वीडियो हो गई है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.